हेलो फ्रेंड्स, आरसे कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एडीसी का सिलेबस के बारे में। हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि सर आप जो है बताए बोले थे कि मतलब कि एडीसी का आप सिलेबस देने वाले हैं, बट आप दिए नहीं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सिलेबस देने वाला हूँ और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ, वहां पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके ये सिलेबस आप अपने मोबाइल में लैपटॉप में डाउनलोड कर सकें। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एडीसी का सिलेबस में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आपको बता दूं कि मेरा जो एडीसी का जो सिलेबस होता है, मेरा खुद का बनाया होता है। ओके, जो मैं एडीसी का सिलेबस प्रोवाइड करता हूं, या फिर ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन भी मेरा इंस्टीट्यूट और या फिर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, दोनों में मैं जो सिलेबस सेम करवाता हूं। कोई डिफरेंस नहीं, ये नहीं कि मैं ऑफलाइन में कुछ और करवाता हूं, ऑनलाइन में कुछ और करवाता हूं, ऐसा कुछ नहीं। या फिर मेरे एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर में, वहां पर भी मैं उस एप्लीकेशन में यही सिलेबस प्रोवाइड करवाता हूँ। डीसीए का हो या एडीसीए का हो या फिर एमएस वर्ड का हो, एक्सेल का हो, एडवांस एक्सेल का हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, वेबसाइट डिजाइनिंग हो, डेवलपमेंट मार्केटिंग हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, ये सारा मैं कोर्स जो है जो मैं ऑफलाइन करवाता हूँ वही मैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में करवाता हूँ या फिर मैं अपने एप्लीकेशन में करवाता हूँ। तो घबराने की बात नहीं, आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं दोस्तों, जो मैं अभी करवाने वाला हूँ, जो मैं अभी बताने वाला हूँ सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि आरसीआई कंप्यूटर एजुकेशन ये एक इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, जो आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। इसका जो सर्टिफिकेट है ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि विदेश में आपको ये जेन्युइन है, मतलब कि वैलिड होगा, ये आपको गूगल वेरीफाई करेगा सर्टिफिकेट को बेसिस ऑफ रोल नंबर, रोल कोड। ओके, तो आप घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिएगा कि मैं आपको सर्टिफिकेट झूठ को दे दूंगा, मतलब कि सिर्फ अपने से बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वैसा मैं काम नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। घबराने की बात नहीं है, आप कोस्ट ऑफ क्या बोलते हैं फ्री ऑफ कोस्ट सर्टिफिकेट लीजिए और कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आपको मैं सारा प्रोसेस अभी बताने वाला हूं इस वीडियो में, कैसे हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देंगे, कैसे हम लोग एडमिशन फॉर्म भरेंगे, कैसे हम लोग कितना कोस्ट लगने वाला चार्ज, ये सारा मैं अभी कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से हमेशा अपनी रिक्वेस्ट आपसे एक छोटी सी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है आरसीआई कंप्यूटर एडुकेशन। ओके, और ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है आईएसओ से, और ये एमएसएमई से भी रजिस्टर्ड है। ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो डीसीए से प्लस टैली से प्लस डीटीपी, ये तीनों से मिलकर एडीसी बना है। सबसे पहले बात आप समझ लीजिए, डीसीए प्लस डीटीपी प्लस टैली, ये तीनों चीज से मिलकर क्या बना है, एडीसीए। क्या बना है, एडीसीए। ओके, है ना, जैसे यहां पर देख रहे हैं एडीसीए। ओके, तो मैंने आपको पहले यहां पर पढ़ाऊंगा कि डीसीए क्या होता है, डीसीए में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। पहले आपको पढ़ाऊंगा कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यहां देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद पढ़ाऊंगा हार्डवेयर मेंटेनेंस, हार्डवेयर कंप्यूटर में हार्डवेयर हम लोग कैसे मेंटेनेंस करेंगे वो मैं बताऊंगा। यहां पर आपको मिल जाएगा विंडोज, एमएस विंडोज 7 के बारे में, 8 के बारे में, 8.1 के बारे में, 10 के बारे में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा विंडोज कॉन्सेप्ट, फीचर क्या होता है, विंडोज स्ट्रक्चर क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, स्टार्ट मेनू क्या होता है, माय कंप्यूटर के बारे में, रिसाइकल बिन के बारे में, क्रिएटिंग फोल्डर्स के बारे में, एंड अदर एक्सप्लोरर फैसिलिटीज, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये सारा मैं अभी कवर आपको करने वाला हूँ। ओके, उसके बाद आपको बताऊंगा नोट पैड के बारे में, वर्ड पैड के बारे में, पेंट के बारे में, एमएस डॉस के बारे में, कैलकुलेटर, कैरेक्टर मैप, स्नैपिंग टूल, कंट्रोल पैनल। ओके, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मैं आपको सारा कवर करूंगा एडीसीए के सिलेबस में। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस जिसको मैं बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, जिसमें पढ़ाएंगे आपको 2007, 2010, 2013, 2016 तो किसी भी वर्जन के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए सारा वर्जन सिर्फ सिमिलर ही होता है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, घबराने की बात नहीं, मैं सारा आपको कवर करूंगा, है ना। इसमें मैं आपको बताऊंगा वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब कि एमएस वर्ड के बारे में, वर्कशीट मतलब एमएस एक्सेल, उसके बाद बताऊंगा एडवांस एक्सेल के बारे में, उसके बाद बताऊंगा डेटाबेस जिसको मैं बोलते हैं एमएस एक्सेस, उसके बाद बताऊंगा हम लोग एमएस पब्लिशिंग जिसको मैं बोलते हैं पब्लिशर भी बोलते हैं, ये मैं आपको कवर करूंगा। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, नो टेंशन। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं,
हम लोग गूगल क्रोम ब्राउजर वगैरह पे कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग किसी भी फोटोज वगैरह को वीडियोज वगैरह को डाउनलोड करते हैं, या कैसे हम लोग सर्च करते हैं, या किसी चीज को खोजना होता है तो हम लोग कैसे उसको सर्च करेंगे, हम लोग रेलवे का टिकट कैसे बुक करेंगे, एयर टिकट कैसे बुक करेंगे, ये हम होटल बुक कैसे करेंगे, मतलब कि एनी टाइप्स ऑफ हमें जितने भी इंटरनेट में सारे आएंगे कम्युनिकेशन है ना, नेटवर्किंग वगैरह सारा मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है, ओके। फिर यहाँ पे आता है HTML। देखिए HTML मतलब होता है वेबसाइट डिजाइनिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा CSS के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सेट, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जावास्क्रिप्ट बताने वाला हूँ, मतलब कि HTML का फुल क्लास चलेगा दोस्तों, इसमें आपको पूरा फुल वेबसाइट डिजाइनिंग करने के बारे में आप सीख जाइएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेटवर्किंग क्या होता है, मल्टीमीडिया, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, मीडिया प्लेयर, साउंड रिकॉर्डर, वॉल्यूम कंट्रोल, ये सारा आप कैसे कीजिएगा, ये मैं आपको सारा आपको इस में कवर करूंगा, ओके। उसके बाद आपको बताऊंगा टाइपिंग हिंदी इंग्लिश उर्दू, हम लोग हिंदी टाइपिंग कैसे करेंगे, इंग्लिश टाइपिंग कैसे करेंगे, उर्दू टाइपिंग कैसे करेंगे, ये सारा आप इस कवर हम लोग करेंगे दोस्तों। उसके बाद ये सारा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग स्कैन कैसे करते हैं, मतलब कि हम लोग अपने फोटोज को, इमेजेस को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, और प्रिंट कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में हम लोग आपको बताऊंगे किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे क्या बोलते हैं इंस्टॉल कैसे करते हैं, है ना, कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में आपको एक चीज को कवर करने वाला हूं, ओके। और असेंबलिंग पीसी मैं आपको करके दिखाऊंगा, मतलब कि मान लीजिए कि मेरे पास डेस्कटॉप है और उसको पूरा हम खोलेंगे, पूरे कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को, पूरे को, सीपीयू को, सारे को खोल के उसको असेंबलिंग करेंगे, फिर उसको हम बनाएंगे, वो करके दिखाऊंगा। ये सारा कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट देंगे, असाइनमेंट देंगे, वो आपको असाइनमेंट करना होगा, है ना। असाइनमेंट करने के बाद आपको मेरे ईमेल पे कैसे भेजना, क्या करना, मैं आपको नेक्स्ट धीरे धीरे जब वीडियो आ जाएगा तो सारा आपको बताऊंगा। इतना आपको जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको एक असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट करके आप जो भी स्टूडेंट मेरे पास मेल करेंगे उन्हीं स्टूडेंट को मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम पे मैं बैठने दूंगा और सर्टिफिकेट दूंगा दोस्तों, ओके। देखिए मेरे पास यहाँ पे आता है टैली, मैं टैली का सिलेबस बहुत देर सारा है मेरे पास, यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा टैली। तो टैली में आपको बताएंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ऑपरेटिंग के बारे में, है ना, और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन बताएंगे, अकाउंटिंग बताएंगे, सारा आप देख लीजिएगा, जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है, सब्सिडरी बुक, ये पूरा मतलब कि टैली का फुल कोर्स इसमें एडीसी मैं करवा दे रहा हूँ। अगर टैली आप जाकर अगर बाहर में सीखते हैं तो 3500 रुपये देना पड़ता है, और एडीसी मैं आपको और टैली में आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा, सोचिए। तो क्यों नहीं आप पे इस एडीसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन टैली, ट्रेंडिंग इन्वेंटरी इन टैली मैं बताऊंगा आपको, और जीएसटी के बारे में बताएंगे, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट एक्सचेंज विद जीएसटी के बारे में बताएंगे, ये सारा मैं आपको कवर करूंगा। देखिए जितना सिलेबस है ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सारा आपको मिल जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद आता है यहाँ पे डीटीपी। डीटीपी क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जब टैली के बाद आपको पढ़ाऊंगा डीटीपी, पेज मेकर के बारे में, फोटोशॉप के बारे में, कोएल ड्रा के बारे में, प्रिंटिंग वर्क के बारे में, लोग कैसे प्रिंट करते हैं, ये सारा मैं आपको बताऊंगा, ओके। फोटोशॉप, पेज मेकर, कोएल ड्रा, प्रिंटिंग वर्क के बारे में बताने का कंप्लीट करने के बाद आपको लास्ट में डिजिटल स्टूडियो वर्क प्रोजेक्ट पर काम करना होगा, इसका प्रोजेक्ट आपको करके मुझे देना होगा। तो ये आपको सारे वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ, बताऊंगा धीरे धीरे कैसे हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, ओके। ये आप समझ चुके हैं कि हमारे आरसीआई कंप्यूटर एजुकेशन में कितने सिलेबस हैं एडीसीए के अंदर, है ना। यहाँ पे कुछ मैंने नोट लिखा हूं कि डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड अलोंग विद एप्लीकेशन सर्टिफिकेट। जब आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये जो है सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि टेंथ का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड, मतलब कि आधार कार्ड, कुछ भी जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है तो दे सकते हैं। उसके बाद आपको जीरोक्स आधार कार्ड का दे सकते हैं, देना पड़ेगा आपको, दे सकते नहीं देना ही पड़ेगा। दो साइज फोटो देना होगा, दो पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना पड़ेगा, तब आपका ऑनलाइन एग्जाम के लिए मैं आपको शेड्यूल करूंगा, तो आपको ऑनलाइन एग्जाम लैपटॉप में या फिर मोबाइल से आपको देना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है कि विजिट माय वेबसाइट, आप हमारे वेबसाइट में विजिट कीजिए,
www.rcicomputereducation.com पे, यहाँ पे विजिट करके आपको सारा इंफॉर्मेशन रीड करना होगा, पढ़ना होगा, ताकि आप समझ जाइएगा कि कैसे एग्जाम देना है। ओके, इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा, इस पे अपडेट धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा वेबसाइट पे, है ना, तो आप जरूर विजिट करते रहिएगा डेली। ओके, यहाँ पे मेरे पास जो है कुछ मैं फीस रखा हूँ, एडमिशन फीस 100 रुपया है, मंथली फीस 600 रुपया है, मंथ इसका 12 है, टोटल 72 रुपया। ये ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन के लिए आप लोग घबराइए मत, ये ऑफलाइन के लिए है, जो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर खुद से क्लास करना चाहते हैं उनके लिए एडमिशन फी जो है 100 रुपीज है, मंथली फी 600 है, इनका जो ड्यूरेशन है 12th होता है, टोटल 7200 सॉरी, है ना, मतलब 7200 रुपया टोटल इसमें आपको लगेगा एक साल ड्यूरेशन में। ओके, अगर कोई बंदा जो है इंस्टॉलमेंट देना चाहता है, एक बार में इंस्टॉलमेंट देना चाहता है, तो उसका एडमिशन फीस 100 रुपया लगेगा और 5400 रुपया उसका फीस लगेगा, टोटल 5500 रुपया, मतलब 5500 इसका एक बार में लगेगा दोस्तों, अगर इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो। ये मैं ऑफलाइन के लिए बात कर रहा हूँ, जो बंदे आके मुझसे ऑफलाइन क्लास करना चाहते उनके लिए फीस है। अब बात आती है कि सर, या आप लोग अभी कमेंट्स होगा फिर कि सर क्या हम लोग को भी प्रो कुछ देना पड़ेगा क्या चार्ज? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इतना मेहनत करता हूं, और आपका भी हक बनता है कि एक टीचर अगर आपके मेहनत करते हैं तो टीचर का और को पैसा रोकना नहीं चाहिए, बट मैं आपसे चार्ज नहीं लूंगा दोस्तों, सिर्फ आपको छोटा सा रकम देना होगा, जैसे कि जब मैं सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करूं तो, ताकि आपका जो मर्जी आप सर्टिफिकेट का पैसा दे सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि बाबू आपको 5000 देना है, 2000 देना, 3000 देना, 200, आप बस आपका जो मन करे आप मुझे जो है फोन पे गूगल पे कर सकते हैं दोस्तों, आप बस आपको यही अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बस आप कोर्स, लेकिन आपको एग्जाम पास करना होगा, अगर आप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो मैं आपको सर्टिफिकेट ऐसे नहीं दूंगा। आपको एग्जाम किसी भी हाल में आपको जब तक क्रैक नहीं कीजिएगा तो आपका पास घर तक आपके एड्रेस तक वहां तक सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होगा। आप बोलिएगा सर मैं तो एग्जाम दिया, मैं क्यों नहीं पास किया, बाबू जैसे मैं आपका एग्जाम आएगा, रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको आंसर स्लिप भेजूंगा, तब आप समझ जाइएगा कि आप कितने सही बनाए कितने गलत बनाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप, मैं इतना मेहनत करता हूं, एक एक वीडियो बनाने में 2-2 घंटे लगते हैं, 1-1 घंटे लगते हैं, एडिट करना पड़ता है, मेहनत करते हैं, तो आपको जो भी चार्ज हो वो आप हमारे अकाउंट में डाल सकते हैं। ओके, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, ये ऑनलाइन जो क्लास कर रहे हैं उनके लिए, और जो मेरे एप्लीकेशन पे क्लास कर रहे हैं उनके लिए तो कोर्स ही है, जैसे 999, 899, 1299, 2999, इस तरह से उनका बना हुआ है ना, तो उस कोर्स ही परचेस कर लेते हैं। ओके, तो ये यूट्यूब के लिए है, आप जो नहीं कर पा रहे हैं, जो कोर्स को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते, मैं उनको भी यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ, बताता हूँ यूट्यूब पे, ताकि वो भी अच्छे से सीख सके और पढ़ सके, और कुछ हल्का फुल्का रकम देकर, मुझे फीस देकर आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं एग्जाम देकर दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको बताया ADCA सिलेबस के बारे में, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन एक ADCA कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करके और आप एक अच्छा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।